बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आई एम फ्रॉम ऑक्सफोर्ड इस्लामिक साइंटिफिक स्कूल। टुडेज अवर लेक्चर इज रिलेटेड टू नेडिम्स एक्सपेरिमेंट। इट्स अ लेक्चर नंबर 6 चैप्टर 1। लुक एट पेज नंबर 18। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द लेक्चर यू हैव टू नो अबाउट द टू थ्योरीज विच वर गिवन बाय डिफरेंट साइंटिस्ट। First theory is about abiogenesis and second theory is about biogenesis. Abiogenesis is also known as a spontaneous generation theory. ये theory क्या कहती है? Life comes from non-living material. इस theory के मुताबिक जो ज़िंदगी है या जानदार हैं वो non-living चीज़ों से भी पैदा हो सकते हैं। Like mud से उनका ख्याल था इस believer का, इन scientists जो इस theory को believe करते थे, fish वगैरह प्रोड्यूस हो सकती है। नेक्स्ट थी बायोजेनेसिस। बायोजेनेसिस जो साइंटिस्ट बिलीव करते थे उनका ख्याल था कि लाइफ जो है वो सिर्फ और सिर्फ ओनली कम फ्रॉम अदर लिविंग थिंग्स, यानी जानदार जो हैं वो सिर्फ दूसरे जानदारों से ही पैदा होते हैं। यानी बेजान अशिया लाइक मर्ड या एनी अदर मटेरियलिस्टिक थिंग जो है वो उनको प्रोड्यूस नहीं कर सकती। तो इन दोनों थ्योरीज को प्रूव और डिसप्रूव करने के लिए डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट किस्म के एक्सपेरिमेंट्स किए थे। नेडम्स ने भी एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। जॉन नेडम का एक्सपेरिमेंट क्या है जी? ही वॉज इंग्लिश साइंटिस्ट। उन्होंने स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट दिया था। उन्होंने सील्ड किया था बॉटल को विच इज़ फिल्ड विद ग्रेवी। ग्रेवी क्या होती है जी? मीट को अगर वाटर के अंदर, यानी गोश्त को अगर वाटर के साथ बॉयल करें तो उसको कहते हैं जी हम ग्रेवी। उसके बाद उसने क्या किया, उसको सेवरल डेज के लिए रख दिया, यानी बॉयल करने के बाद कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया। उसने फाइंड किया कि चंद दिनों के बाद उस फ्लास्क के अंदर जिसमें उसने ग्रेवी को बॉयल किया था उसके अंदर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप जानते हो जो बैक्टीरिया वायरस वगैरह को कहते हैं जी, छोटे जानदार जिनको, वो प्रोड्यूस हो गए थे। इससे नेडम ने कहा कि अगर हम ग्रेवी को बॉयल किया गया है लेकिन इसके बावजूद इसमें जानदार जो हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं तो इट मीन्स कि ये स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी या एबायोजेनेसिस थ्योरी को सपोर्ट करती है। एक्सपेरिमेंट आपको नज़र आ रहा होगा कि कैसे उन्होंने एक बॉटल ली, उसको सीड ऑफ किया, उसके अंदर ग्रेवी ली, उसको कुछ चंद दिनों के लिए सेकंड पिक्चर देखे उसमें छोड़ दिया, थर्ड में देखे थर्ड बॉटल के अंदर, उन्होंने फिर जब कुछ अर्से बाद उसको ओपन किया उस जार को, उन्होंने अगेन उस बॉटल के अंदर देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो गए थे। तो वो बिलीव करने लग गए कि जो ये थ्योरी है स्पॉन्टेनियस की वो ठीक है। हिस्ट्री ऑफ साइंटिफिक मैथड, यानी नेडम के एक्सपेरिमेंट के क्या रिजल्ट थी, फाइंडिंग्स थी, उनकी कंक्लूजन ये थे कि माइक्रोब जो थे या माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो ग्रेवी से ही प्रोड्यूस हुए थे। यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रेवी से प्रोड्यूस हुए विच इज़ नॉन लिविंग। तो इट मींस के स्पॉन्टेनियस जनरेशन या ए बायोजेनेसिस की थ्योरी नेडम्स के मुताबिक उनके एक्सपेरिमेंट से प्रूव हो गई कि वो वाली थ्योरी ठीक है। जबकि लेटर ऑन अगर हम पढ़ेंगे डिटेल से तो ये जो थ्योरीज थी ये अप्रूव हो गई थी, इसको बाकी साइंटिस्ट ने डिसअप्रूव कर दिया लाइक लुईस पाश्चर वगैरह ने। लेकिन अभी हम इसके रिजल्ट की तरफ आते हैं कि इसका रिजल्ट क्या शो हुआ। नेडम एक्सपेरिमेंट से हमें ये साबित हो गया कि जी स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी एक्सेप्टेबल है। पीपल या आप उसके ड्रॉबैक के अगर जिक्र करें तो हम यूँ कह सकते हैं, कुछ लोगों ने ये रियलाइज़ ही नहीं किया कि अगर एक्सपेरिमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं तो मे बी पॉसिबिलिटी है कि ऑलरेडी उस ग्रेवी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस या प्रेजेंट हो। जबकि दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि नेडम ने जब बॉयल किया था उस ग्रेवी को उस बॉटल के अंदर उसने प्रॉपरली नहीं किया हो, क्योंकि हम जानते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हाई टेम्परेचर पर ही वो किल होता है। इट मीन्स के ये जो थ्योरी थी वर्ल्ड वाइड लेटर ऑन रिजेक्ट कर दी गई थी। आपका जी होम टास्क है लर्न एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 9। आई होप यू अंडरस्टैंड द लेक्चर। थैंक्स।